हरियाणा के भिवानी में किसान अपनी मांगों को लेकर एकजुट दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले विज्ञान कृषि केंद्र में एक प्रदेश स्तरीय मीटिंग की। इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों को पुरजोर उठाया, जिसमें मुख्य तीन बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। वहीं किसान संगठनों ने MSP की नई गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। साथ ही साथ MSP पर खरीद ना होने की बात भी उन्होंने कही है। दिल्ली व हरियाणा प्रांत के किसान मंत्री सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक की गई, जिसमें विभिन्न जिलों से आए किसान व संगठनों ने शिरकत की। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि MSP को लेकर किसान सरकार के विरोध में है, क्योंकि समर्थन मूल्यों पर बाजरा, कपास, धान की खरीद नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार नया कानून लाकर MSP को तय करे। बाजरा आज 1300 रुपए में और धान की 1500 रुपए में खरीद हो रही है, जबकि MSP में बाजरा 2150 रुपए और धान 1888 रुपए बताया गया है। आपको बता दें कि किसानों ने चेताते हुए कहा कि सरकार किसानों का शोषण कर रही है। अगर सरकार नई गाइडलाइन जारी नहीं करती है तो हम इसके विरोध में हर जिले, हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान संघ जिला मंत्री भिवानी आज हमारे प्रांत के अधिकारियों के साथ बैठे थे। हमने अध्यादेश के विषय में बातचीत की, उसमें MSP रेट का हमने विरोध किया है, जो डाल नहीं रही सरकार, हम उसकी घोर अपेक्षा करते हैं। और इसके विषय में हमें प्रांत के अधिकारियों से भी अनुमति मिली है। हम जिले में और हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। दूसरा, हमारा एक भारतीय किसान संघ का काफ़ी समय से बिजली विभाग के साथ टकराव चला हुआ है, जो किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। पैसे लिए हैं, 2 साल के करीब हो गया, कभी मोटर की कंडीशन ये है, कभी वो है, पैसा भरवा रखा है, न तो ट्यूबवेल कनेक्शन दे रहे हैं और न ही पैसा वापस कर रहे हैं। किसानों ने किसी ने जमीन ठेके पे ले रखी है, किसी ने कुछ कर रखी है, और हम उनके लगे हुए हैं, एस्टिमेट की कॉपी ले रहे हैं और ले रहे हैं। किसान के साथ बहुत ही अन्याय किया गया है, पैसा ज़्यादा ले रखा है, जो देना चाहिए था वो न सामान दे रहे हैं, न उनको कनेक्शन। हमारे को विश्वास तो किसी चीज़ का लेके चलना पड़ता है, लेकिन जब तक नहीं होगा तो हम सरकार के खिलाफ ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। किसानों के लिए हम हर लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। हमें 1-2 दिन के बाद लगातार ही चलेगा, अभी अगली बैठक का सत्र, अभी दूसरा सत्र है, उसमें तय हो जाएगी डेट, उसी हिसाब से जिले से और फिर ब्लॉक से लेके इकट्ठे करके चलते रहेगा। कौन सी पार्टी से संपर्क? हम किसी पार्टी से नहीं सकती। भारतीय किसान संघ किसानों के द्वारा किसानों के लिए काम करने वाला संगठन है, हमने राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जी सर, क्या नाम? सिंह, दिल्ली हरियाणा प्रदेश संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ। भारतीय किसान संघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। किस विषय को लेकर सर? एक तो आगामी सदस्यता का विषय लेकर के, रचनात्मक कामों को लेकर के, और तीसरा बिंदु था अभी जो सरकार ने 3 अध्यादेश पारित किए। भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री को 30,000 गांव से प्रस्ताव पारित कर करके संशोधन की बात कही थी। उनमें से जो एक मुख्य संशोधन था MSP, वो नहीं किया, शेष बातें उन्होंने मान ली हैं। इसको भी सरकार को नया कानून ला करके MSP की गाइडलाइन डालनी चाहिए, क्योंकि बिना MSP के बाजार में किसानों का शोषण होगा। आज शोषण हो रहा है, बाजरे का मूल्य 2150 रुपया 1300 बिक रहा है, MSP पर नहीं बिक रहा है। धान का मूल्य 1888 रुपये है, 1500 रुपये धान बिक रही है। तो सर आप विरोध में बात करेंगे? हर को किसान की जो घोर उपेक्षा कर रही है, ये ठीक नहीं है। आपने क्या रणनीति तैयार की है सर इस मीटिंग के बाद? अभी भारतीय किसान संघ का लोकतंत्र की मर्यादाओं में धरने और प्रदर्शन कर करके हर ब्लॉक केंद्र पर हम धरने प्रदर्शन करेंगे, जब तक हमारी ये MSP की गाइडलाइन सरकार नहीं मानती, ये संघर्ष चलता रहेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।